A news update sponsored by RS Academy, second floor, Ramagovan Palace, Sirmau Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा की खबरें लेकर आप सबके बीच मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश सरकार रीवा मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन हेतु नया प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने जा रही है, जिसको लेकर रीवा के जूनियर डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा सीनियर डॉक्टरों को समर्थन दिया गया है। बता दें, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, सचिव एमटीए, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा सभी काम सही ढंग से किए गए हैं, फिर भी नियुक्ति की जा रही है। यह पूरी तरह से गलत है, जिसका हम सभी विरोध कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर ने इस पर क्या कुछ कहा है। मेरा नाम डॉक्टर हृदय दीक्षित है। मैं इस समय पर मध्य प्रदेश स्टेट JDA प्रेसिडेंट हूँ। अभी जैसा कि ज्ञात है कि सरकार इस तरीके का कोई प्रस्ताव लेके आने वाली है, जिसमें प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु डिप्टी कलेक्टर या फिर SDM की नियुक्ति की जाएगी। इस समय जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा जो प्रोग्रेसिव मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन MTA को पूर्णतः समर्थन अपना प्राप्त करता है। और सरकार से निवेदन है, मंत्री जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, इस तरीके का किसी भी तरीके की टकराव की स्थिति ना उत्पन्न की जाए। इससे मरीजों का ही नुकसान होता है। और विगत समय में भी देखा गया है कि अधिकतर सरकार की नीतियों से लगातार टकराव की स्थिति आए समय समय पर बनती रही है, जबकि डॉक्टर्स का पूरा जीवन जो होता है वो मरीजों के लिए होता है, उनकी सेवा के लिए होता है। और हम भी ये चाहते हैं कि हम ये कार्य पूरे तरीके से पूरे अपने मन से और अपना पूरा 100% देके ये काम करते रहें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरीके की टकराव की स्थितियों से बचा जाए, मरीज के हित में ये चीज़ सोचा जाए, एवं इस तरीके का जो प्रस्ताव है जिसमें एक नॉन टेक्निकल फील्ड को, जिसको उस फील्ड जो भी प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको इस फील्ड की जानकारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उनको इस तरीके के पद पर बिठाया जाए। इस तरीके से जो मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, सचिव MTA रीवा, बेसिकली कल से इस बात को मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं कि आज की मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ ऐसा प्रस्ताव लाने वाले हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन हेतु प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। और मेरा ये मानना है कि हम सब मेडिकल टीचर्स अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और आप भी देख रहे होंगे कि हमारा काम अच्छी तरीके से हो रहा है। ये हमारे बढ़ते हुए मरीजों की संख्या, मरीजों को मिलने वाली ऑपरेशन एवं सभी सुविधाओं की क्वालिटी, इस चीज़ का प्रमाण है। ये प्रस्ताव पूरी तरह से औचित्यहीन है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें जो हमें ज़रूरत है, मैं कल भी कह चुका हूँ कि हमारे अधिष्ठाता, हमारे अधीक्षक और हमारे सारे विभागाध्यक्ष अच्छी तरीके से अपनी प्रशासकीय जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है, अगर उन्हें ज़रूरत है तो मैनेजर्स की ज़रूरत है, जो कि MBA MHA ट्रेन हो, बायोमेडिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। इस तरह अगर हमें सरकार हमारे मेडिकल एजुकेशन को अगर इम्प्रूव करना चाहती है तो इस तरह की अगर सुविधाएं प्रदान करेगी तो ठीक होगी, लेकिन अलग से किसी प्रशासकीय अधिकारी की नियुक्ति थोड़ा सा औचित्यहीन लग रहा है। और इस बार मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हम लोग अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और ये रीवा मेडिकल कॉलेज पिछले 60 वर्षों से चल रहा है और निरंतर उच्च कोटि के चिकित्सक उच्च कोटि की सेवाएं दे रहा है। तो इस प्रकार के किसी निर्णय, इस प्रकार के किसी कैबिनेट में प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव का प्रावधान नहीं होना चाहिए। कल हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया था, आज हम लोग अपनी इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी हुई हम लोगों ने, और सिर्फ रूटीन सर्विसेज को रोक रखा है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हम अपना विरोध जता सकें और मरीजों का कोई नुकसान ना हो। क्योंकि
हाँ, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हमें फिर अपने विरोध को थोड़ा और बढ़ाना होगा, हम पूर्णतः हड़ताल में जा सकते हैं, जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मरीजों का नुकसान होता है, जिनके लिए हम लोग यहाँ पोस्टिंग की गई, हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान होता है जिनके लिए हमारी पोस्टिंग की गई है, तो हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ सकता है। कितने डॉक्टर हड़ताल पे? हमारे पूरे करीब 225 डॉक्टर जो हमारी एसोसिएशन के हैं, और साथ ही साथ 13 मेडिकल कॉलेज, जो मध्य प्रदेश के समस्त 13 मेडिकल कॉलेज हैं, उसके सभी डॉक्टर आज हड़ताल नहीं है, असहयोग है, सिर्फ एक विरोध जताने का तरीका है। अगर ज़रूरत होगी तो आज हम अपने मरीज के लिए जा सकते हैं, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर अपना असहयोग दिखा रहे हैं कि सरकार चेत जाए और जो ये प्रावधान लाने वाली है इस पे आगे कोई कदम ना बढ़ाए। अ न्यूज़ अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय RS अकेडमी, सेकेंड फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।